अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आंतरिक मामलों के मंत्री रयान जिंकिन जल्द ही अपना पद छोड़ देंगे। रयान से पहले ट्रंप प्रशासन के कई बड़े अधिकारी अपने पद छोड़ चुके हैं। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि करीब दो साल तक अपनी सेवाएं देने के बाद आंतरिक मंत्री रयान जिंकिन इस साल के अंत में प्रशासन छोड़ देंगे। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान शुरू हुए ओबामा केयर को टेक्सास कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया है। ओबामा केयर को वहां पर अफोर्डेबल केयर एक्ट भी कहा जाता है। टेक्सास कोर्ट ने संघीय कर कानून में हालिया बदलाव के कारण अफोर्डेबल केयर एक्ट को असंवैधानिक करार दिया है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के शासन में लाए गए इस विधेयक के समर्थकों ने कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। ओबामा केयर पर आए कोर्ट के फैसले का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वागत किया है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति ट्रंप ओबामा केयर को पहले ही बेकार योजना कह चुके हैं। कोर्ट के आए फैसले पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि अब अमेरिकी कांग्रेस को नया कानून पारित करना चाहिए क्योंकि ओबामा केयर को असंवैधानिक बताकर निरस्त कर दिया गया है। पेरिस की सड़कों पर एक बार फिर येलो वेस्ट आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारी उतर आए और जमकर प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। गौरतलब है कि ईंधन कर में वृद्धि के विरोध में देश में 17 नवंबर से प्रदर्शन शुरू हुए थे और बाद में इनमें राष्ट्रपति मैक्रों का व्यापार समर्थित एजेंडा और सरकार चलाने के तरीके के प्रति विरोध भी शामिल हो गया। मिस्र के गाजा में 4400 साल पुराना गुंबद मिला है। गुंबद के अंदर फराओं की मूर्तियां भी मिली हैं। पुरातत्व विभाग की खोज में दीवारों पर कई तरह की पेंटिंग वाली मूर्तियां भी देखी जा सकती हैं। वहीं पुरातत्व विभाग का कहना है कि वो अभी भी खोज में लगे हैं। अमेरिका के बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने भी पश्चिमी यरूशलम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दे दी है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने बकायदा इसकी घोषणा की। हालांकि प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने यह भी कहा कि तेल अवीव से ऑस्ट्रेलियाई दूतावास को तब तक शिफ्ट नहीं किया जाएगा जब तक कोई शांति समझौता नहीं हो जाता। इजरायली सेना ने एक बार फिर से फिलिस्तीन में बमबारी की है। साथ ही इजरायली फौज ने रमल्ला में अबू हामिद नाम के शख्स को बम से उड़ा दिया। दरअसल पिछले महीने वेस्ट बैंक में छापे के दौरान एक इजरायली सैनिक की हत्या हो गई थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। इजरायली सेना का कहना है कि अबू हामिद इजरायली सैनिक की हत्या में शामिल था, जिसके बदले में उसके घर को नष्ट किया गया। इटली सरकार की इमिग्रेशन नीतियों के विरोध में हजारों लोग रोम की सड़कों पर उतर आए और जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि इटली सरकार नस्ली भेदभाव को बढ़ावा देने के लिए नई इमिग्रेशन नीति लेकर आई है। दरअसल सरकार की नई इमिग्रेशन नीति में इटली के नागरिकों को संरक्षण देने और अप्रवासियों की संख्या कम करने की बात कही गई है। इस प्रदर्शन में शामिल ज्यादातर लोग प्रवासी थे। लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों के संगठन द बोलवेरियन अलायंस की क्यूब की राजधानी हवाना में बैठक हुई। लेफ्ट विंग के नेताओं के इस बैठक में आर्थिक मुद्दे और क्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा हुई। इस सम्मेलन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरे और निकारगुआना के राष्ट्रपति डेनियल ओर्टेगा भी शामिल हुए। 2004 में क्यूबा और वेनेजुएला ने द बोलवियन अलायंस नाम के इस संगठन की स्थापना की थी। इस संगठन का मकसद ऊर्जा और व्यापार में सहयोग को बढ़ावा देना है। ब्रिटेन के चेस्टर चिड़ियाघर में भीषण आग लग गई। वहीं आग लगने के तुरंत बाद चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने दमकल कर्मियों को बुला लिया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आगजनी में किसी भी जानवर के हताहत होने की खबर नहीं है। इस आगजनी की जांच के आदेश दे दिए गए हैं।